मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है नवमी और नवमी रामनवमी का दिन है, तो सबको बहुत बहुत बधाई हो। अभी मैं पूजा करके ही उठी हूँ, अभी जस्ट मैंने पूजा ही किया है। कुछ बाहर चली गई थी तो मैंने सोचा सबसे पहले नहा ही लूँ, क्योंकि कुछ सामान लाने गई थी बच्चों का जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सबको मुझे पैकेट वैकेट जो भी होता है सब सैनिटाइज करना पड़ता है। सिंपल सिंपल लेके आई हूँ, आटा ब्रेड है, दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में। सबके लिए मैंने मसाला वो तैयार किया है, बनाया है। देखो मुम्मू क्या कर रही है, तुम्हारे लिए मैं बनाई हूँ खाना बाबू। फर्स्ट टाइम हम लोग मसाला वो खाएंगे, क्योंकि मुझे मैं कभी नहीं बनाई हूँ। मुम्मू ने मसाला ओट्स नहीं खाया, उसके लिए मुझे सूजी बना रही हूँ। पूरा वो वॉमिटिंग कर दी, बिल्कुल नहीं खाई, उसे एकदम नहीं पसंद आया। और आज नवमी है तो हमारे घर में दाल पूरी बनता है, खीर या हलवा जो भी कुछ बनता है। तो मेरे पास दूध नहीं है, मैं यहाँ पे चना दाल बॉईल कर रही हूँ ताकि मैं इसको दाल पूरी बना सकूँ। इसलिए आज मैंने साड़ी पहना है रंगोली स्टाइल में, और साखा पोला भी पहना है। आज रामनवमी है तो, और कैसी लग रही हो प्लीज बताना, क्योंकि मैं ना साड़ी बहुत कम पहनती हूँ तो। और आज के कैमरा मैन मेरे हस्बैंड बने हुए, तो मैंने उनसे बोला कि प्लीज मेरा एक वीडियो ले लो। और इनका थैंक यू बोलना जरूरी है यार, मेरा वीडियोग्राफी की है पहली बार की है, हमेशा पलक करती है। और मैंने ट्राइपॉड नहीं यूज किया, मैं इन्हीं को बोली कि कम से कम मेरा एक वीडियो ले लीजिए। और जैसे भी हो, एक्चुअली क्या था कि कहीं तो हम लोग को जाना नहीं है, काम काम है, तो क्या करूँ। ये मेरे बात पता नहीं क्यों ऐसे हो जा रहा है, तो घर में बैठ के हंस के हर वक्त न्यूज देख देख के डिप्रेशन में तो रहना ठीक नहीं है, और थोड़ा हंसने के लिए कुछ तो चाहिए, तो मैं ही हंसी का पात्र बन जाती हूँ। भाई मेरे बाल ना कैसे तो हो गए, धोया है मैंने तब से, ऐसे पता नहीं कैसे ऐसे हो गए हैं, अजीब से हो गए हैं, ऐसे निकल आ रहे हैं। आप लोग बताना, तो छोटे बाल में मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, क्योंकि मैंने कटवा लिया है, फिर कभी अच्छा भी लगता है कभी नहीं भी लगता है, कोई बात नहीं, घर की खेती है, बढ़ जाएगी। और डाई भी नहीं किया इसलिए बुढ़िया के बाल देखो हल्के हल्के वाइट वाइट जो है देखने लगे, एज का असर दिख रहा है। और ये बैठ के महाभारत देख रहे हैं, मुझे खाना भी बनाना है, बट मैं एक्चुअली ये साड़ी बहुत दिन का है तो मैं पहनती नहीं, इसलिए सब नए के नए ही लगते हैं, तो ऐसे है। क्योंकि किचन में इसलिए मुझे आना पड़ा, महाभारत का पूरा आवाज़ आ रहा था पीछे से, कुफरी नहीं था। तो हम लोग जो है, मैं जा रही हूँ पहले खाना बनाने, और आपको मैंने किससे बोला, अपने हस्बैंड से, कि आज मैं साड़ी पहन के आती हूँ, तैयार हो जाती हूँ। और मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक्चुअली नेवी ब्लू कलर मेरी बहन का भी फेवरेट है। सोम्या नहा लो बेटा,
और इस पे ये वाला ब्लाउज नहीं, ये ब्लाउज मैंने अलग से, इसको इस पे ब्लाउज से नहीं मिलता है, इस पे मैंने अलग से ही किया है। तो कैसी लग रही हूँ साड़ी में मुझे बताना। और आपको यकीन नहीं होगा, मैं साड़ी पहन के ही खाना बनाऊंगी, पूरा जितना भी खाना है। पर मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, क्योंकि जो भी हो, मेरा दाल हो गया है। लिखा चुका है, तो होती है ना, देखा है मैंने कार्टून वाले। धोनी को कौन टाल सकता है रे? रुको रुको बेबी, कितना भेद है कितना। कल उसको आपके बच्चे के जन्म का समाचार सुनते ही अवश्य आए। मुमू क्या कर रही हो? ये दाल पूरी है, ये सूजी का हलवा है, ये आलू का सोजन का सब्जी है। कैसी लग रही हो वो बच्चे? मुझे बहुत शौक है इस टाइप का करने का। क्या है, धो देना, मशीन में रख देना। हाँ चाय बनाए? किस ओल्ड मेथड्स? किस चाय बनाऊं?
भारी भारी ऐसे भी सर लग रहे हैं। सो गई थी, सो के उठने के बाद सर कितना भारी भारी अजीब सा लगता है ना। और भी खाना खा के मस्त वाला यम्मी वाला खाना खा के गहरा नींद भी लग गया था। क्या कपड़ा नहीं, बाहर गए नहीं, खाना खाए, खाना खा के फिर सो गए।